तो दोस्तों ये मेरे पास Redmi 9A का बॉक्स और आज मैं करने वाला हूँ Redmi 9A का अनबॉक्सिंग। तो पता है थोड़ा सा लेट है क्योंकि हमें परचेस करके अनबॉक्सिंग करना होता है। आपको मैं हर बार एक वीडियो में यही बताता हूँ क्योंकि मिलता नहीं है ना, छोटे यूट्यूबर हूँ। और दूसरा चीज़, आप लोगों ने बहुत इसका जो मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी में, आप लोग यहाँ पे रियलमी सेवन बात कर रहा था, तो रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो का भी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फास्ट सेल के बाद ही मिलेगा क्योंकि परचेस करने के बाद ही हमें अनबॉक्सिंग करना होता है, ठीक है। तो Redmi 9A जो फ़ोन 2 दिन पहले फास्ट सेल में आया था उसको हमने परचेस कर लिया। और ये जो फ़ोन है 2 GB 32 GB वाला मॉडल है और इसका प्राइस है 6799, और एक 3 GB 32 GB मिलता है जो 7499 में मिल जाएगा। तो इसका जो मेन खासियत है, 5000 mAh बैटरी और 10 वाट चार्जर बॉक्स के साथ मिल जाएगा इस प्राइस में, एक अच्छा चीज़ है। और G25 वाला प्रोसेसर है हेलियो का। लेकिन इसमें जो चीज़ है, आपको सिंगल कैमरा है और 13 MP का पीछे, और फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा मिल जाएगा। तो Redmi 9A का बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाला हूँ, पहले अनबॉक्सिंग देख लो, अगर देखना नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद बहुत सारे वीडियो टेस्ट, बहुत सारे वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ बना दूंगा। अगर आप कोई भी खास वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताना, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। तो मैं नहीं, आप देख रहे चैनल टेक्निकल एमडी। तो चलिए देख लेते हैं Redmi 9A का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है Redmi 9A का बॉक्स। हर वक्त इंडियन नंबर 1 लिखा रहता है, मेड इन इंडिया भी अब कर दिया है, पहले भी करता था। 5000 mAh बैटरी, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखा जाएगा आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद पहले आपको यहाँ पे मोबाइल मिल जाता है। तो मोबाइल मिलने के बाद यहाँ पे Redmi का 22 हवा में लिखा है, और इस फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद इस फ़ोन को हम साइड करते हैं, तो अभी वाइब्रेशन हुआ और ये ऑन भी हो चुका है। तो इसको हम साइड करते हैं, और साइड करने के बाद आपको इस बॉक्स के पर देख सकते, इस मोबाइल को हम साइड करते हैं। और साइड करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आपको इसके अंदर से मिलेगा, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक छोटा सा यूज़र गाइड मिलेगा। कोई भी कवर यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि पता है अभी 6000 7000 के अंदर जो मोबाइल आता है उसमें कवर नहीं दे रहा है। और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी मिल रहा है एक टॉप। तो इसको बाद साइड में करते हुए एक चार्जर मिल जाता है आपको, 10 वाट का चार्जर, जो कि इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 10 वाट का MI चार्जर। और यहाँ पे एक नॉर्मल माइक्रो USB केबल दिया है। तो बॉक्स ज़्यादा किया, बॉक्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इस बार Redmi ने। सबको हम साइड करते हैं, और साइड करने के बाद मेन मोबाइल पे आते हैं। ये जो मोबाइल है, इसका कलर का नाम दिया गया है नेचर ग्रीन। तो नेचर ग्रीन हमें कैमरे में कैसे समझ में आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे आ रहा है बहुत ही बढ़िया पता। तो फ़ोन का अगर पहले बात सार वैल्यू का बात किया जाए, तो फ़ोन का सार वैल्यू जो है एक बार देख लो, हेड में 5.0.528 और बॉडी में 0.791, इंडिया में 1.6 तक लिमिट है उसके अंदर है। फ़ोन का डिटेल्स ओवरलुक का बात किया जाए, तो फ़ोन बूट हो गया है, और बूट हो जाने के बाद आपको इसमें MIUI 12 में रन करेगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे MIUI 12 मिलेगा। और मैं इस रैपर को हटा देता हूँ जो Redmi के ऊपर लगा हुआ है। तो पहला चीज़, इसमें कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। अब पहला चीज़ ये करना, ये एक स्क्रीन प्रोटेक्शन खरीद लेना, और एक कवर जरूर से यहाँ पे खरीद लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी प्रोटेक्शन का बात यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो फ्रंट की जगह जो कैमरा है, डॉट नॉच वाला कैमरा, तो ये फ्रंट कैमरा आपका 5 MP में मिलेगा। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास 2 GB 32 GB का है, और 6799 का इसका प्राइस है। और इसमें जो प्रोसेसर है आपको पता है, हेलियो G25 वाला प्रोसेसर। तो पता नहीं कैसे चलेगा, परफॉर्म कैसे करेगा, वो मुझे पता नहीं। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट मिलेगा, और ऑब्वियसली एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, MIUI 12 का जो नया वर्सन आया है वो, और अंडर 32 GB आपको 20 GB यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, और 11 GB यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये OS वगैरह सिस्टम फाइल लेने के लिए। लुक का बात किया जाए, तो फ्रंट में 5 MP कैमरा दिया गया है, 6.53 इसका जो स्क्रीन साइज है नॉर्मल HD वाला, और इसमें 5000 mAh बैटरी है। और पीछे का बात किया जाए, तो सिंगल कैमरा 13 MP यहाँ पे दिया गया है, जिसको कहते हैं AI कैमरा, और AI में पोर्ट्रेट होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैश दिया गया है,
तो फ्लास्क के अंदर यहाँ पे 13 मेगापिक्सल लिखा है और यहाँ पे सीधा सा एक दाग आ गया, जैसे अभी रियलमी वालों ने कर रहा है ऐसे करके एक रेडमी का ब्रांडिंग यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ साइड वैल्यू दिया है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा आपको, नॉर्मल माइक्रो यूएसबी पोर्ट और माइक देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिमोट सेंसर नहीं दिया गया है, जैसे रेडमी का हर फोन में आता है। हालांकि 7000 के नीचे जो फोन है उसमें नहीं आता है, लेकिन 3.5 mm जैक दिया गया है। लेफ्ट की तरफ सिर्फ आपको सिम ट्रे दिया गया है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड आसानी से डाल सकते हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और राइट की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और पावर ऑफ ऑन बटन दिया गया है। कोई भी फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं है, फेस अनलॉक में काम चलाना पड़ेगा आपको। और मेन जो चीज़ इसका हाईलाइट किया गया है, G25 प्रोसेसर और 5000 mAh बैटरी और उसके साथ 10 वाट फास्ट चार्जर इन द बॉक्स, और कुछ है नहीं। तो कैमरा में अगर हम जाए यहाँ पे, तो कैमरा में जैसा MIUI 12 का आता है सेम किया गया है। अभी प्रो को पहले लेके आ गया है, उसके बाद वीडियो वीडियो का अगर रेजोल्यूशन का बात करें यहाँ पे, तो वीडियो रेजोल्यूशन जो है आप यहाँ पे 1080 30 FPS और 720 30 FPS में शूट कर सकते हो। और फ्रंट वीडियो का बात किया जाए तो फ्रंट वीडियो में भी आप 1080 720 में कर सकते हो। और फोटोज़ में जाके आपको फोटोज़ में AI HDR ये वगैरह मिलेगा, 3S 5S 2nd ऐसा कुछ मिलेगा, 100 गाइडलाइंस और फुल ये सारी चीज़ मिल जाएगा। पोर्ट्रेट आपको फ्रंट का भी मिल रहा है, बैक का भी मिल रहा है, और मोड पे जाके टाइम लैप्स शॉर्ट वीडियो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और एडिट वाला कुछ ऑप्शन है, पोर्ट्रेट प्रो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे कर सकते हो, जैसे MI 12 में आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर सैंपल लिया हूँ, जो पिक्चर सैंपल मेरे को अच्छा लगा वो है फ्रंट पोर्ट्रेट का जो कैमरा क्वालिटी है यहाँ पे मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कुछ पिक्चर सैंपल मैं दे दूंगा, देख लो। ये जो मैंने लिया था ये फ्रंट पोर्ट्रेट है, बहुत ही अच्छा आ रहा है AI के साथ, और फ्रंट कैमरा क्वालिटी आपको अच्छा ही लगेगा। बैक कैमरा भी हालांकि यहाँ पे अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस पैसा में आपको इससे बढ़िया कैमरा कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कैमरा का सैंपल दिया हूँ, आप देख लो, आपको अच्छा ही लगेगा। ये इसमें अगर हम फेस अनलॉक का बात किया जाए, तो फेस अनलॉक जैसा रेडमी का होता है उतना ही फास्ट है। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, फेस अनलॉक वाला जो चीज़ है ये बहुत ही फास्ट लग रहा है, कोई लॉक ही यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत आपको है नहीं। ओके, एक चीज आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ MI Pay MI Credit जिली ये सारे ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट कुछ एप्स यहाँ पे जबरदस्ती डाल दिया है। गेम्स के अंदर ये सारे 5 गेम यहाँ पे डाल दिया गया है, तो आप चाहे तो इसको आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम वीडियो और साउंड क्वालिटी का बात किया जाए, तो कितना साउंड आ रहा है और वीडियो क्वालिटी हाईएस्ट रेजोल्यूशन किया है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड का क्वालिटी है वो मेरे को अच्छा लगा, स्वीट साउंड है, ऐसा लाउड ही नहीं है, बट आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और साउंड का क्वालिटी यहाँ पे बेटर है। तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे यहाँ पे बात किया जाए, तो आप यहाँ पे 720x60p में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 1080p में कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं देख पाओगे, और फुल स्क्रीन भी यहाँ पे हो जाएगा। और स्क्रीन का क्वालिटी अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ब्राइटनेस यही है, और थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे मेरे को कम लग रहा है, यही बात है और कुछ नहीं, लेकिन क्वालिटी ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के यही था Redmi 9A। तो फोन का जो बिल्ड क्वालिटी और क्वालिटी किया गया जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे भारी लगेगा, 5000 mAh बैटरी है इसीलिए, लेकिन आपको मतलब 6799 में ये फ़ोन एक अच्छा कह सकते हो। डिस्प्ले यहाँ पे बड़ा है और बैटरी भी अच्छा है, और जो चार्जर मिल रहा है बॉक्स के अंदर वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मिसिंग लगेगा पीछे में। अभी सभी मोबाइल में डुअल कैमरा लगभग आ रहा है, जैसे Redmi 8A में भी पहले सिंगल कैमरा आया था, और Redmi 8A डुअल में बाद में डबल कैमरा कर दिया गया था, तो ऐसा भी इस फ़ोन के साथ भी हो सकता है Redmi 9A डुअल कैमरा, ठीक है। तो Redmi 9A डुअल कैमरा बहुत ही जल्द शायद रिलीज होने वाला है।
तो फोन मेरे को यहाँ पे ठीक ही लगा। फ्रंट कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का दिया है उसमें से आपको जो पोर्ट्रेट आएगा ना, मतलब 5 मेगापिक्सल का जो पोर्ट्रेट का क्वालिटी है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और सीरियसली अच्छा है, ठीक है। और बैक कैमरा भी ठीक ठाक है इस प्राइस के अगर देखा जाए तो, लेकिन डुअल कैमरा होता तो और भी यहाँ पे बेहतर होता। तो यहाँ पे दो चार चीज़ आपको मिसिंग लगेगा। पहला चीज़, यहाँ पे कोई भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन का बात नहीं किया गया है, तो आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो पहले चीज़ आप कर लेना, फ़ोन परचेस करने के बाद ही यहाँ पे ग्लास लगा लेना, कोई भी जो रेडमी 9 और 9 प्राइम का ग्लास है वही इसमें लग जाएगा। तो वो ग्लास यहाँ पे लगा लेना और एक कवर भी खरीद लेना, क्योंकि कवर भी यहाँ पे है नहीं, लेकिन प्राइस यहाँ पे कम है। आप चाहे तो इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। और अभी पबजी बंद हो गया है तो आप इसमें आसानी से फ्री फायर खेल सकते हो, कोई भी दिक्कतें आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो फ्री फायर का टेस्ट मैं लेके आऊँगा, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलने की कोशिश करूँगा, और इसका बैटरी रेंज का भी टेस्ट, बैटरी चार्जिंग का भी टेस्ट करूँगा, और भी ज़्यादा जितना सारे चीज़ है वो मैं करने वाला हूँ। अगर कोई भी खास वीडियो देखना चाहता हो, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। दोस्तों यही था रेडमी 9A का अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अच्छा वीडियो इतना ही, बाय।